हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो मैंने ये ड्राइंग बनाई है विराट कोहली की। सो मैंने इसको आईज से स्टार्ट किया था, और जो आईज जो आपको दिख रही है ये रही, इसको मैंने पूरा 3 दिन लगाया था। 3 दिन जो मुझे लगाने नहीं चाहिए थे वो मैंने लगा दिए। फिर मैंने जब शेडिंग की तो मुझे पता चला कि विराट कोहली अलग सा लग रहा है कुछ। फिर जब मैंने देखा फुल रेफरेंस फ़ोटो को जूम करके, तब मुझे लगा कि उसमें थोड़े डॉट डॉट आए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाए हैं ये रहे डॉट डॉट। तो मैंने बाद में लगाए थे ये, पहले मैंने ड्राइंग में ये सब शेडिंग सिंपल सी शेडिंग की थी, और मैंने इसमें शेडिंग करने के लिए 2B पेंसिल का बेस लेयर लगाया था, जैसे कि यहाँ पे बेस लेयर लगाया था। फिर मैंने 4B का यूज़ किया था, जैसे कि यहाँ पे ये यूज़ होती है, यहाँ पे जैसे कि डार्कर टोन के लिए, ये आइस के नीचे, आइस के साइड में, और यहाँ सब पर फेस के लिए। और मैंने सबसे डार्कर टोन यहाँ पे, जैसे कि क्या बोलते हैं, डार्कर टोन को देने के लिए बियर्ड के जो आइट साइड में रहता है उसमें दिया था, जैसे कि यहाँ पे मूछ में और यहाँ पे कुछ। और मैंने जो हेयर्स और बियर्ड बनाई और ये जो इनकी डिज़ाइन है उसको मैंने चारकोल से दिया था, सॉफ्ट चारकोल। सॉफ्ट चारकोल जैसे कि यहाँ पे यूज़ होती है हेयर में, ताकि ज़्यादा ही डार्क टोन आ जाए उसमें। और ग्रेफाइट इसलिए हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ग्रेफाइट चमक जाती है और ये चमकती नहीं है। और मैंने क्लियर के लिए हार्ड लगाई थी, और फिर मैंने मीडियम को किया था ताकि उसकी थोड़ा सा और डार्कर टोन आ जाए। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए करता हूँ क्योंकि अगर कोई गलती हो जाए तो इरेज भी हो जाता है, और अगर हम डार्क ज़्यादा ही कर देते हैं और फिर वो इरेज ही नहीं हो पाता इसलिए। और फिर मैंने यहाँ पे हार्ड और मीडियम का यूज़ किया था, और यहाँ पे सॉफ्ट का थोड़ा बहुत यूज़ किया, यहाँ पे हार्ड का और मीडियम का, और यहाँ पे मैंने सिंपल हार्ड का किया था। और फिर उसके बाद मैंने ईयर और नेक का बनाया पोर्शन। फिर इनको मुझे कम से कम 3 दिन लग गए थे इन दोनों को, और आइस को भी, और मुंह को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, 4-5 दिन। और ये शर्ट तो मैंने ऐसे ही डायरेक्ट चारकोल पेंसिल से, सॉफ्ट से, ऐसे ऐसे करके बना दी, क्योंकि वो थोड़ा नीचे स्क्रबल आर्ट जैसे होता है ना, वैसे पूरा कर दिया नीचे, तो थोड़ा अच्छा दिखता है। और एकदम प्लेन कर देते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम थोड़ा किसी ने बनाई ना हो। मैं जैसे कि मैंने बनाई है ये, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया है, किसी को ये ना लगे कि मैंने नहीं बनाई है ये, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट चारकोल पेंसिल चलाई है, और ब्लेंड ज़्यादा भी नहीं किया मैंने, बस थोड़ा सा ही ब्रश से ऐसे ऐसे हल्का हल्का कर दिया। और मैंने इसमें सिर्फ ब्रश का यूज़ किया है ब्लेंड करने के लिए, और कहीं कहीं जगह पे जैसे कि यहाँ पर लाइट टोन थोड़ा सा देने के लिए मैंने पेपर स्टम्प का यूज़ किया है, जैसे कि यहाँ पर, यहाँ पर। और लिप्स को मुझे कम से कम 4 घंटे लगे थे बनाने में पूरे, और ये बिगड़ भी रही थी बीच बीच में। और मुझे ये फेस करना पड़ा इसमें कि जब मैंने शुरू शुरू में इसको स्टार्ट की थी तब मुझे लग रहा था मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो रेफरेंस फ़ोटो थी वही इतनी डीप थी कि मैं सोच कर ही हैरान हो गया कि इतनी अच्छी ड्राइंग, बाद में मुझे लगा कि इतनी अच्छी ड्राइंग मैं बना कैसे सकता हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा डार्क टोन दिया है, यहाँ पे यहाँ पे 4B का यूज़ किया है, कुछ ज़्यादा ही 8B और 4B का मैंने बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया है। और ये सब तो हो गया, और इसमें मेरा रियल टाइम लगा था एक से दो हफ्ते का, पूरा इसका रियल टाइम है। और मैं आपको बता दूँ तो ये जो पेपर है वो पेपर आपको सिंपल स्टेशनरी पे मिल सकता है 2-1 रुपए का। सो ये सिंपल ड्राइंग बुक वाला पेपर है, जो ड्राइंग बुक अपन घर पे यूज़ करते हैं वो वाली ड्राइंग बुक का। अगर मैं और अच्छा पेपर लेता, जैसे कि हैंडमेड पेपर जो पास वाली दुकान पे मिल जाता है,
वो पेपर यूज़ करता तो आज ये मेरी ड्राइंग बहुत ही अच्छी होती, लेकिन अभी मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने यही यूज़ किया। और अगर आप ऑनलाइन पेपर देख रहे हो तो आप 300 GSM का देखो और उसमें ब्रूस्टो का लीजिएगा, क्योंकि वो जो पेपर है वो बहुत ही ज़्यादा रफ टोन देता है और वो हैंडमेड पेपर से भी ज़्यादा रफ टोन है उसमें, और उसमें इतनी अच्छी क्वालिटी आती है कि ये जो ड्राइंग है वो ज़्यादा ही कुछ उभर आती है। तो आज के लिए कुछ इतना ही, लेकिन जाने से पहले लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ताकि मेरी बेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक। नई ड्राइंग बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।